fruity. Very cute. Mr. Rohit Khurana, please don't mind. मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ. जरूर. Thank you. Myself Babu, security officer. सबसे पहले मुझे इन सबको अपने पे भरोसा जगाना होगा ताकि ये कभी शक न कर सके कि मैं ही बैड लक बॉनी हूं. क्या? Keep quiet. मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज. यह माइक्रोफोन और यह ट्रांसमीटर, इसी के जरिए बोनी आप सब की बातें सुनता था. वैसे आपके घर में नौकर कितने हैं? मैं बुला देता हूं आपको. अच्छा. कहीं तू तो नहीं है? ये हमारे गुलाब चाचा है और हम इनसे तू नहीं आप करके बात करते हैं. सॉरी बेटे, आई एम रियली सॉरी. माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा तो. वो क्या है कि हमें सभी पे शक करना पड़ता है. और कुछ हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? I'll tell you. रिलैक्स रिलैक्स. बहुत कांप रहे हैं आप. चाहिए और मैं. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल घर की सारी खिड़कियाँ हमेशा बंद होनी चाहिए. okay. और पर्दे भी. लेकिन अपने अपने कमरों के दरवाजों को अंदर से लॉक मत कीजिए. मैं आपके घर का एक एक कोना देखना चाहता हूँ. कैसी होगी? भूखी प्यासी, उसकी यह हालत मेरी वजह से हुई है और हम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते. टूटी माना कि बैड लक बोनी बहुत होशियार है, लेकिन आखिर वो कब तक बचता रहेगा? क्यों सोना? उसे पैसे चाहिए ना. तो क्या सोना आंटी, आप अपने जादू से 2 करोड़ रुपए नहीं बना सकती? नहीं फ्रूटी, पैसा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मेहनत से मिलती है या फिर किस्मत से. यूं हम जादू से पैसा बनाने लगे तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी. लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा. और अल्तू, जब तक हम बैड लक बॉनी को पकड़ नहीं लेते, हम में से किसी एक को फ्रूटी के साथ रहना होगा. पहले मैं रुकूंगा. ठीक है बाबा, तुम रुको, मैं चलती हूँ. बाय. इक्तु बिक्तु झिम पतूता. मेरा ख्याल सही. रोहित खुराना तो हाथ पे हाथ धरे बैठा है. अब मुझे फ्रूटी को किडनैप करना ही होगा. लेकिन खुराना के लिए यही अच्छा कि वो समझता रहे कि बैड लक बॉनी सिर्फ उसे फोन कर रहा है. हेलो बैड लक, बैड लक बॉनी. तुम कितनी भी सिक्योरिटी रख लो रोहित खुराना, बैड लक बॉनी के शिकंजे से नहीं बच पाओगे. मेरे प्रयासों का इंजाम हुआ कि नहीं? देखो बॉनी, इतनी बड़ी रकम एक दिन में कोई नहीं जुटा सकता. मुझे कुछ वक्त चाहिए. जुटा सकता है अगर तुम्हारे दिल में बैड लक बॉनी का खौफ है. याद रखना, मुझे ये रकम रुपयों में नहीं, असली हीरो में चाहिए. हीरे? हाँ, जवेरी बाजार के साउथ अफ्रीकन हीरे. तुम्हारे पास 24 घंटे ही बचे. देखो बोनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो. 24 आपको मिल जा रही है. बैड लक.
आपकी पलकें भारी हो रही हैं। दीपक क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हैं? चीजू, एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। मैं अपनी दौलत में से एक पाई नहीं दूंगा किसी कुत्ते बदमाश को। आप भी सुन लीजिए। ये इतना बड़ा मकान, इतनी शानो शौकत, इसमें मेरा बराबर का हिस्सा है और मैं आपका हिस्सा। किसी से नहीं बोलूंगा। आप जाइए, जाइए यहाँ से। ओके। मेरी बेइज्जती करता है, देख लूंगा। कितनी उदास है, इसे उदास देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ्रूटी, जानती हो करीब 1000 साल पहले मैं एक छोटा सा जिन था। अरे सुनो तो, तब मैं बड़ा शैतान था और दूसरे जिनों के साथ बहुत झगड़ा करता था। ऐसी शरारत में जानती हो मैं उन्हें कैसे डांटता था, जानना चाहती हो? अरे टुच्ची टिटरी सी टपोरी टमटम के टट्टू, टीन के टपरे से टपक टपक रहे टीनी से टुल टुल के टट्टू, मैं तानसेन की तरंगिनी जोड़ी ताल में तानपुरे की तीन तागे की तड़ती ताल से तोड़ तोड़ के तेरी टांग तोड़ दूंगा। हसीना हसीना। हाय, क्या है ये? ये बेबी का ब्रेकफास्ट है। बेबी का ब्रेकफास्ट? पहले मैं चेक करूंगा। हाँ उठा लेंगे। अभी उठाता। चेक कर लिया साहब। ओके ओके ओके। इसे खाते ही वो मेरे बस में हो जाएगी। अब वो वही करेगी जो मैं चाहूंगा। आज तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ये नाश्ता कर लो। नहीं गुलाब चाचा, मुझे कुछ नहीं खाना है। थोड़ा सा तो खा ले। नहीं गुलाब चाचा, आप प्लीज इसे लेकर जाइए। लवली म्यूजिक, आई लव म्यूजिक। मैं जब छोटा था ना तो मेरे डैडी ने भी मुझे ऐसा पियानो खरीद के दिया था। आई लव इट। नहीं चलता बेटा, नाश्ता तो कर लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। देखो, आज तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं अगर गुलाब चाचा की बात नहीं मानती तो आपकी बात क्यों मानूं? अच्छा ठीक है, पूरा नाश्ता मत करो, एक बाइट तो ले लो। मुझे कुछ नहीं खाना है। अच्छा मत खाओ, तुम्हारी मर्जी। चलो लेकर ही चलता हूँ। ये चाल नहीं चली, बैड लक। पर बोनी के पास तो और भी तरीके हैं। अब देख क्या करता है ये बैड लक बोनी। देखो, हमें नया परिमीटर बनाने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत है और वो पैसे हमें रोहित दे सकता है अगर हम इस केक को सॉल्व कर ले तो। सर केक नहीं, केस। वो बम छिपा रहा है। सर, कहीं वो बैड लक बोनी तो नहीं? हो सकता है वो हम उसे रंगे हाथों पकड़े। हाँ सर, तुम बच के नहीं जा सकते, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। बॉस अटैक। बॉडी गार्ड है बाबू। सॉरी, मुझे जरा पुलिस स्टेशन बुलाया है, घर का ध्यान रखना। रोहित साहब,
बॉडीगार्ड साहब, आपको मालूम नहीं है हम दोनों ना डिटेक्टिव हैं। अगर आप ये केक हमारे हाथ में देंगे ना तो हम उस बैड लक बोनी का भुर्ता बना देंगे। थैंक यू। ओके। बहुत जल्दी जहरीली गैस पूरे घर में फैल जाएगी। फिर देखना रोहित खुराना, मैं तुझे कैसे तड़पाता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।